वर वरक पर लिखी हुई किताब एक पर गुफगू कर रहे हैं उससे सबक हासिल कर रहे हैं आज सातवें बाब के एक और टॉपिक के ऊपर गुफ्तगु करेंगे उससे सबक हासिल करेंगे और वो है ज़ाकर के लिए तीन बशारतें इस जगह पर मुसनफ़ साहब फरमाता है अल्लाह ताहनऊ ने तुझको तीन तरह से बुज़र्गी फरमाई अवुल तुझको अपना जाकिर बनाया और अगर उसका फ़जल न होता तो तेरी ज़ुबान व कल्ब पर उसके ज़िक्र जारी होने का तो अहल ना होता दूसरे अपनी नस्बत तेरी तरफ साबित फरमा कर तुझको अपनी नस्बत के साथ खलाए का मजगूर ठहराया और वलीअल्ला व सफ़ील्ला वगैरह अलकाब से ज़िक्र कराया तीसरे तुझको अपने यहाँ ज़िक्र करके अपना मजकूर बनाया और अपनी नियमत तुझ पर तमाम फरमाई यानि इस कलाम में शेख राम का खिताब बंदा ज़किर व मुती को है चुनाचे शेख फरमाते हैं कि ए बंदा ज़ाकिर, तुझको हक़ शाह नऊ ने तीन किस्म की बुजर्गी अता फरमाई कि वो तो तीनों किस्म की मिलकर तेरे लिए बे इनतहा खूबियों और कमालात का जकीरा हो गई और हक तला रहमत रह्म, व इनाम तुझ पर कामिल दर्जा हुई सबसे पहले बुजुर्गी तो ये है कि तुझको अपना जाकिर बनाया कि ज़ुबान से और दिल से और आजाव ज़हारे से तू उसका ज़िक्र और इबादत बजा ला रहा है और अगर इसका उसका फ़ज़ल तेरे हाल पर ना होता तो तेरा कल्ब और ज़ुबान कब इसकाबिलता के अहकमीन और उस पाकजाद का जिक्र उस पर जारी हो और तू कैसे इसका अहलता के सारे बादशाहों के बादशाह की ताअत और इबादत कर सके इसलिए कि नक्स और काहली और सुस्ती तेरे ज़ात के अंदर दाखिल है और फिर तेरी तरह बल्कि ज़ाहिरी सूरत शक्ल में तेरे से अच्छे और और भी आदमी तो हैं ये और रहमत ही है कि लाखों करोड़ों मखलूक़ को गफलत में डाला और तुझको अपने ज़िक्र में लगाया दूसरी बुजुर्गी तुझको ये अता फरमाई कि तुझको अपनी तरफ़ मंसूब फरमाया कि अपना दोस्त तुझको कहा और इस नस्बत के साथ खलकत की ज़ुबान से तेरा ज़िक्र कराया कि लोग तुझको वलीउल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त सफ़ीउल्लाह अल्लाह का बुर्गजीदा और अल्लाह वाला कहते हैं यह कितने बड़े शर्फ़ की बात है आज दुनिया में एक अदना बादशाह या हाकिम किसी को कोई खिताब या लकब देता है तो मारे खुशी के पुला नहीं समाता और अगर कोई बादशाह किसी अदना आदमी को अपना दोस्त कह दे और अपने लोगों को हुक्म दे कि इसको हमारा दोस्त कहो तो उसके फख्र और मुसरत की कोई इंतहा नहीं रहती तो जब अदना बादशाह के जिसकी बादशाही महज ख्याली और वहमी और मिजाजी है उसकी तरफ़ मंसूब होने और तालक़ हो जाने पर यह हाल हो तो जिसकी बादशाही हकीकी है और जिसके ऊपर कोई बादशाह नहीं है वो किसी को अपना कहे और अपनी तरफ़ मंसूब करे तो उसकी बुजुर्गी की क्या इंतहा है तीसरी बुजुर्गी तुझको ये अता फ़रमाई कि अपनी मजलिस में तेरा ज़िक्र करके तुझको अपना मजकूर बनाया कि वो बेनिया तेरा ज़िक्र फरमाता है इसलिए अदीस शरीफ में है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मुझको अपने जी में याद करता है मैं भी उसको अपने जी में याद करता हूँ और जो मुझको महफ़िल में याद करता है मैं उसको महफ़िल में याद करता हूँ कि वो महफ़िल उसकी वो महफिल उसकी महफिल से बेहतर है यानि मलाइका की महफिल है इस हदीस से मालूम हुआ कि बंदा ज़ाकिर को अल्लाह याद फरमाता है और ख़ुद अपने कलाम में इरशाद फरमाता है वज़कुरूनी अज़कुरकुम कुरकुम यानि तुम मुझको याद करो और मैं तुमको याद करूंगा और इससे बढ़कर कौन सी बुजुर्गी होगी कि बंदा जिसकी हकीकत एक मुश्त खा है उस खाकी पुतले को रबुल और बाबा और शहनशाह याद फरमा दे बस इन तीन बुजुर्गों बुजुर्गियों से ज़िर तुझ पर अल्लाह ताला ने अपनी नमत कामिलवा तमाम फरमाई